नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोक के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन स्पोर्ट फैंटेसी पारिवारिक इतिहास क्राइम थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियली अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल वाली फिल्म थिरु चित्रमलम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में धनुष, नित्या मेनन, राशि खन्ना और प्रकाश राज के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक डिलीवरी ड्राइवर अपने सख्त पुलिसकर्मी पिता और दादाजी के साथ रहते हुए जीवन व्यतीत करता है। एक हादसे में उसकी माँ और बहन की मौत हो गई। वह अपनी माँ और बहन को खोने के लिए अपने पिता को दोषी ठहराता है और अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है। इसी बीच वह दो महिलाओं के बीच फंस गया। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 97% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती 2018 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म ई माया पेरेमिटो, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राहुल, विजय, काव्य थापर और पवित्रा लोकेश के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो चंदू और शीतल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पिता उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे आदमी से हो। क्या चंदू और शीतल एक हो पाएंगे ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 47% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन रोमांस ड्रामा वाली फिल्म सासी, और इस फिल्म को हिंदी में सासी द रियल फाइटर के नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आदि, सुरभि और अजय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो क्रोध के मुद्दों के साथ एक शराबी गायक राज को एक दर्दनाक अतीत वाली महिला राशि से प्यार हो जाता है। जैसे जैसे वह करीब आते हैं, उनकी संबंधित परेशानियां उन्हें बर्बाद करने की धमकी देती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.6/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 63% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन स्पोर्ट ड्रामा वाली फिल्म लक्ष्य, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में केतिका शर्मा, नागा शौर्य, जगपति बाबू और सत्य के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो पर्दू एक प्रतिभाशाली तीरंदाज दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अपने जीवन का ट्रैक खो देता है। हालांकि इसे बदलने का फैसला करता है और चैंपियनशिप में भाग लेने का अभ्यास करता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.3/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 91% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती 2018 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म इमाइक्का नोडिगल, और इस फिल्म को हिंदी में हु इज नेक्स्ट नाम से डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नयनतारा, अथर्व मुरली, राशि खन्ना, विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप और मानस भी कोटाची के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो CBI अधिकारी अंजलि विक्रमादित्यन को ट्रैक करने के लिए निकलती है, जो महत्वपूर्ण लोगों के बच्चों को अपहरण कर उन्हें मार देता है। एक सीरियल किलर जिसे पुलिस ने सालों पहले मारने का दावा किया था, हालांकि जांच तब व्यक्तिगत हो जाती है जब वह उसके परिवार को निशाना बनाता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.3/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 93% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा पारिवारिक फैंटेसी इतिहास वाली फिल्म PS फर्स्ट, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विक्रम, जयाम रवि, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन, ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रकाश राज के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो
वानर वंश के राजकुमार वंद्या देवन के माध्यम से अपने पिता सुंदरा चोल और छोटी बहन कुंडवई को दो संदेश भेजता है। वंद्या देवन आदित्य करिकालन अरुल मोजी बर्मन और उनके पिता सुंदरा चोल को पंड्या आवाज थुद विगल से बचाता है। वादाओं और मोड़ों के साथ क्या वंद्या देवन शाही परिवार के तीनों लोगों को बचाने में सफल होगा, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 95% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की वे 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।